का ये योद्धा जब MiG-29 फाइटर जेट को लेकर कीव के आसमान में उड़ान भरता था तो कहने वाले कहते थे कि कीव के आसमान पर उसकी सुरक्षा करने वाला साया मंडरा रहा है। लेकिन तब इस योद्धा के अस्तित्व पर कई लोगों को शक था। लेकिन यूक्रेन की सरकार ने इस बात का खुलासा किया है कि असल में घोस्ट ऑफ कीव कौन था और कैसे उसने रूस के लड़ाकू विमानों को धूल चटाकर शहादत हासिल की। जब युद्ध शुरू हुआ तो लगा कि रूस की वायुसेना के सामने रूस की सेना बहुत जल्दी घुटने टेक देगी, लेकिन यूक्रेन के इस 29 साल के लड़ाके ने मानो कुछ और ही ठान रखा था। रूस ने कीव से करीब 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था। रूस ने कीव से 130 किलोमीटर दूर स्थित चर्नोबिल पर भी फतह हासिल कर ली थी। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में ज्यादा ताकत और ज्यादा तकनीक थी। यूक्रेन की हवाई सीमा बंदी खत्म करने के बाद रूस के कदम कीव की तरफ बढ़ ही रहे थे कि घोस्ट ऑफ कीव उनके सामने आ गए। सोशल मीडिया पर चली खबरों के मुताबिक घोस्ट ऑफ कीव ने रूस के 6 फाइटर जेट्स को युद्ध के पहले ही दिन मार गिराया, जिसमें रूस के 2 सुखोई 35, एक सुखोई 27, एक MiG-29 और 2 सुखोई 25S फाइटर जेट्स शामिल थे। MiG-29 फाइटर जेट पर सवार यूक्रेनी वायुसेना के पायलट मेजर स्टीफन तारावल्का ने अकेले दम पर रूसी वायु सैनिकों की नाक में दम कर रखा था। हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी इस बात की नहीं है कि घोस्ट ऑफ कीव ने रूस के कुल कितने विमान तबाह किए, लेकिन दावों के मुताबिक मेजर स्टीफन तारावल्का ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तक रूस के 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। यूक्रेन के पश्चिम में कोरोलिवका गांव के एक मजदूर परिवार में जन्मे इस लड़के के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि महज 29 साल की उम्र में ये वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। MiG-29 से ही घोस्ट ऑफ कीव ने रूस के आधुनिक तकनीक से लैस कई विमानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के आसमान में भले ही अब घोस्ट ऑफ कीव के विमान के गरजने की आवाज ना आए, लेकिन यूक्रेन के इतिहास में ये नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। और पटियाला हिंसा पर पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटियाला में हिंसा पर पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग छापेमारी में मुख्य साजिशकर्ता की पहचान की गई है। बताया गया कि बरजिंदर सिंह परवाना मुख्य साजिशकर्ता है। गुजरात के भरूच में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज जनसभा है। जनसभा के लिए केजरीवाल सूरत पहुंच गए हैं। पंजाब बिजली संकट से जूझ रहा है। मानसा में पावर प्लांट के अधिकारियों ने मीटिंग की और थर्मल प्लांट में बंद पड़े एक यूनिट चलाने का आदेश दिया है, ताकि पंजाब की जनता को इस बिजली संकट से निजात दिलाई जा सके। और यूक्रेन पर हमले सिर्फ इमारतों पर ही नहीं हुए, बल्कि इन हमलों में यूक्रेन के कई ऐतिहासिक शहरों